नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। महत्वाकांक्षा हमारे जीवन को एक लक्ष्य, एक उद्देश्य देती है, लेकिन हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा एक जहरीला नशा है जिसमें इंसान अपना विवेक खो बैठता है। लगता है सर के 12 घंटे हो चुके हैं बॉडी को जलाकर। सर बॉडी के पास ये आधा जला हुआ सैंडल मिला है और बॉडी की हाइट और स्ट्रक्चर देखकर लगता है किसी फीमेल की बॉडी है। सर ऐसे डिजाइन वाले सैंडल ज्यादातर कम उम्र की औरतें पहनती हैं। सर बॉडी के पास ये पेट्रोल कैन मिला है, ये लाइटर भी था। इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिले देखो आधार कार्ड के वेबसाइट पे किसी के साथ मैच होते हैं क्या? जी सर। गाड़ी किसके पता चला सिरके? सर हो सकता है कि विक्टिम की हो। आसपास मैंने लोकल्स में पूछताछ की है लेकिन वो नहीं पहचानते किसकी गाड़ी है। गाड़ी के पेपर्स, लाइसेंस कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। एक फोन मिला था कड़े, लेकिन ये फोन बंद है सर। इसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो और गाड़ी के नंबर से RTO से पता लगाओ ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है। ठीक है सर, आसपास के पेट्रोल पंप में पूछताछ करता हूँ, हो सकता है कि पेट्रोल वहीं से खरीदा गया। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। ठीक है सर। एक्शन, पिघलता मक्कन टेक वन। त्रिलोकी कैमरा पैन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, पर्सनल लगना चाहिए, माइंड ब्लोइंग। कट। रघु रेडी? एक्शन। रघु चल के आओ, देखो तुम्हारे सामने लड़की है, देख के रुक गए तुम? तो साइकिल से उतरा और उतर के लड़की के पास आ रहे हो। लड़की के ऊपर तुमने पानी फेंका, अभी तुम दोनों एक दूसरे को किस करने जाओ। माइंड ब्लोइंग। कट। अरे साबुन का सेटअप तैयार करो। इंटरनेट ने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया है और इसका भारी असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी पैदावार है नए सोशल मीडियाज और डिजिटल स्पेसेस, जिसमें कुछ कहानी कंटेंट को छोड़कर सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। ये पोर्टल सार्वजनिक होने के बावजूद निजी रूप में हम तक पहुंचते हैं, जिसे हम अपनी निजी स्पेस मोबाइल फोन या लैपटॉप में देखते हैं। बोस्की मंडल बहुत सारी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सपने लेकर बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने आई थी। लेटर पास करना। रुपेश तुम क्या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हो यार, ये कैसी लड़कियों को भेजते हो? सारी लड़कियां बस कपड़े उतारना चाहती हैं, मुझे एक्टर चाहिए, एक्टर। सर मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग सब कुछ कर लेती हूँ। पता है मैं जब स्कूल में थी ना, मैं जब ड्रामा करती थी तो मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था सर। ये हुई ना बात, ऐसा करते हैं अभी ऑडिशन करते हैं। तुम ऐसा करो कि मुझे इतना सेड्यूस करो कि मैं अपने एक एक कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाऊं। चलो शुरू हो जाओ। रुपेश रुपेश सर रुकिए, मैं बंगाल से यहाँ एक्ट्रेस बनने आई, प्रोस्टिट्यूट बनने नहीं। मैं अपना टैलेंट कैमरा के सामने दिखाऊंगी, किसी डायरेक्टर के बिस्तर पर नहीं। ए बोस्ती, ये आशीष लाल कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, मोबाइल सीरीज की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है वो। यहाँ सब लोग ऐसे बात करते हैं और तूने तो कहा था कि एक्ट्रेस बनने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मर्यादा के साथ। ए जितने खुले कपड़े और खुले विचार होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा काम मिलेगा और उतना अच्छा दाम मिलेगा। यहाँ नहीं करना मुझे ये सब। निकाल इधर जा। मैं तो आप ही के भरोसे यहाँ आई थी ना, आप ही के कहने से मैंने अपना घर गांव सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो अभी फैसला भी तू ही ले रही है। निकल।
एक वड़ा पाव दीजिए ना। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। सर, जहां में वो जली हुई लाश मिली थी और उसके पास जो कार थी उस कार की पहचान हो गई सर। शालिनी वस के नाम रजिस्टर्ड है और ये आरटीओ ने डॉक्यूमेंट्स भेजे। सर, सर क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ चुकी है। कार, पेट्रोल का डिब्बा, मोबाइल और लाइटर सब पे फिंगरप्रिंट सेम है। राइट सर, सभी के सभी शालिनी वस्त से मिलते हैं। सर, हमने उसके ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते समय लिए गए बायोमेट्रिक्स से उन्हें मैच करके देखा है, वो 100% मैच होते हैं सर। सर, वारदात की शाम एक औरत ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था, उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। ये तो शालिनी है। इस पेट्रोल पंप वाले को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर, वो बोल रहा था कि रात का टाइम था और वो औरत भी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ा रही थी, इसलिए उन्होंने पेट्रोल दे दिया। सर, सर कार में जो फोन मिला था वो खुल चुका है, उसमें एक सेल्फी वीडियो भी है सर। मम्मी, सुमित भैया, अभिनव, प्लीज मुझे माफ करना, मैं आग लगा कर जान देने जा रही हूँ। जिस किसी को भी मेरा ये फोन मिले प्लीज पुलिस को दे देना, मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। अरे, तो आत्महत्या का केस है, सिंपल सा है। शालिनी पेट्रोल पंप पे गई, वहाँ से पेट्रोल खरीदा, उसके बाद वो सुनसान जगह गई जहाँ में उसकी बॉडी मिली, उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद मोबाइल कार में रखा, खुद के ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को जला लिया। ओपन एंड शट केस है सर। मुझे भी ये लगता है सर। सर, शालिनी ने घर में आत्महत्या करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि घर का नुकसान होगा, घर वाले भी परेशान होंगे और मोहल्ले में बदनामी होगी, तो शायद इसलिए उसने घर से बाहर जाकर आत्महत्या की। नहीं शिरके, खुद को आग लगाकर मरने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। शालिनी वहां बैठे बैठे खुद को आग लगा ली और चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। मुझे मर्डर लगता है, या तो फिर लाश की पहचान छिपाने के लिए की गई साजिश। लगता है मेरे कहने से तुम दोनों सहमत नहीं हो। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, आरटीओ से हमें जो शालिनी का एड्रेस मिला है वहां जाके उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवा। ठीक है सर। सर, ये बड़े साहब भी ना खाली पीली जीत कर रहे, इस केस में कुछ करने लायक है ही नहीं। एक अनजान युवती की जली हुई लाश मिलने से पुलिस टीम के अंदर एक अंदरूनी विवाद छिड़ गया। एक पक्ष का मानना था कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि दूसरे पक्ष का ये मानना था कि यह हत्या है। खैर, पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट गई और ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कौन थी ये युवती। बदनाम शीला, सीन वन, टेक थ्री, एक्शन, कट। सिमरन, अरे एक दिन के लिए तो अच्छी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के दिखा, मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे ये हम किसी भक्ति चैनल के लिए नहीं बना रहे हैं, ये तेरे घर पे तेरे पापा, भाई, तू और तेरी माँ अलग अलग कमरे में एक ही समय में देख रहे होंगे, कुछ समझ में आया? अब जाके हीरोइन की स्कर्ट को जरा ऊपर कर। रोल कैमरा, साउंड, एक्शन। डिम्पी, तुम किताब पढ़ रही हो, अचानक घंटी बजी, पलटो। बॉस की, एक्शन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम डिम्पी को ऐसे पकड़ो कि जैसे तुम मर्द हो और वो तुम्हारी बीवी। या कम ऑन, टच करो उसे, छुओ, सहलाओ, व्हीलर, वेरी गुड, कम ऑन। ए लड़की, रुपेश, तू और वो लड़की अभी इसी वक्त मेरे सर से निकलो बाहर, कम ऑन, निकल जाओ यहां से। सीधी, मैंने आज तक ऐसे छोटे कपड़े कभी नहीं पहने, मेरे गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे
ये किसी टीवी या सिनेमा हॉल में थोड़ी आएगा। ये देख, ऐसे महंगे स्मार्टफोन पे आएगा। तेरे घर वालों के पास या गांव में किसी के पास है इतना महंगा फोन? फिर और वैसे भी अगर ये कोई देखता भी है ना तो किसी को बताता नहीं है। पर फिर भी दीदी, ये सब कितना गंदा है। अरे गंदा कुछ नहीं होता, गंदी अपनी सोच होती है। तो कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? मेरी माँ ने न जाने कितने सालों तक स्ट्रगल किया है, तब जाकर आज मैं वेब सीरीज की दुनिया की इतनी बड़ी स्टार हूँ। अरे तू तो डायरेक्ट यहाँ आई है, पैसे कमा, नाम कमा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। तो फिर मुंबई में क्या करेगी, खाएगी क्या और जिएगी कैसे? तेरे घर वाले तुझे पैसे भेजते हैं? मैं तो घर से भाग के आई हूँ दीदी। ये ऐसे नहीं मानेगी, एक बार मैं इसकी सारी शर्म निकाल देता हूँ। मैं समझाती हूँ उसे, ये कर लेगी, कर लेगी ना तू? बदनाम शीला, टेक थ्री, एक्शन। वेरी गुड। तू कहाँ रहती है? मेरे साथ, मैं इसका गॉडफादर हूँ। अबे चल हलकट, तुझे तो बस तेरे कमीशन से मतलब है। बॉस की अब तूने काम कर लिया है ना, अब तुझे कोऑर्डिनेटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बाहर से कोई काम ला कर दे तो ले लेना। ए? लेकिन दीदी ये तो गलत है ना, ये मुझसे प्यार करते हैं और इन्होंने मुझे काम भी दिलवाया, ये मुझे स्टार बनाना चाहते हैं दीदी। ये रुपेश, ये तुझे स्टार बनाएगा? ये सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है, आगे चल के तू पैसा कमाएगी और ये तेरे पैसों पे मौज उड़ाएगा और तुझे प्यार के नाम पे नोचता रहेगा। ए डिम्पी, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। बराबर बोल रही है मैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सारे मर्दों को जानती हूँ मैं। बस की तू मेरे साथ चल मेरे घर। ए डिम्पी, ये तो ठीक नहीं कर रही। और बॉस की, अगर तू इसके साथ गई ना तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अबे जा, बर्बाद आदमी, पहले खुद को तो आबाद कर ले। चल निकल यहाँ से, आ गया लड़कियों के रूम में, चल निकल। अरे क्या गलती है यार, जो कुछ भी करा उसने करा होगा। ओए, ए संभल के, हाँ मेरी माँ बहन के साथ है। ये किसको लेकर आई हो साथ में? तुझसे मतलब? ये यहीं रहेगी। खुद माँ बेटी तो गंदा काम करती हो, अब दूसरी लड़कियों को भी इसमें धकेल रही हो। कौन ये लड़की? तू ज्यादा देवता मत बन, अभी तक तो मेरे कपड़े उतारने के पैसों से ही खा रहा था ना, आया बड़ा हीरो बनने। सुयश तू अपने कमरे में रह, ये तेरी बहन के साथ उसके कमरे में रहेगी। ये बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पर, इसे कहो अभी निकले। ये लड़की चल निकल बाहर, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे काम से। बदतमीज, निकल यहाँ से, निकल निकल, नहीं रह सकता उस घर में, चल। हमें लाश के पैर में ये सैंडल भी मिला है, क्या ये शालिनी का है? ये सैंडल तो शालिनी का है, शालिनी, शालिनी। शालिनी इतने दिनों से घर नहीं आई, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? 6 महीने पहले तक तो हम सब लोग साथ में ही रहते थे, पर फिर अचानक से शालिनी के मन में क्या आया? मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अब अपनी स्पेस चाहिए। बराबर वाला घर खाली है, मैं उसे रेंट पे ले रही हूँ, वहीं रहूंगी और वहीं से अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करूंगी। शालिनी मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी तुम मुझसे अलग रहेगी, ये ठीक है क्या? हाँ तो खाना तुम लोगों के साथ खा लिया करूंगी, लेकिन आप लोग जो ये इतने सवाल पूछते हैं ना मुझसे, कहाँ गई थी, कब आ रही है, कौन मिलने आया था, मुझे ना इन सवालों से चिढ़ मचती है। ऊपर से मेरा प्रोफेशनल स्ट्रेस, सबका दुखड़ा सुन के उनको एडवाइस करना आसान काम है क्या? शालिनी क्या करती थी? वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। साइकोलॉजिस्ट तो लोगों को आत्महत्या करने से रोकते हैं, या शालिनी खुद ने आत्महत्या कर ली? क्या ऐसा तो नहीं कि उसका इंडिपेंडेंट रहना, उसके इंडिपेंडेंट विचार आप लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए आप लोगों ने उसको बिना वजह स्ट्रेस दिया और आत्महत्या करने पर मजबूर किया? वो जब से ऊपर वाले फ्लैट में रहने लगी तो फिर हम लोग शायद ही उससे कभी मिलते थे, और फिर वो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए शहर से बाहर ट्रैवल भी किया करती थी,
मैं लगा था शायद इसी किसी सिलसिले में नागपुर पुणे वगैरह गई होगी। उसके फ्लैट की तलाशी लेनी है हमें। चलो नहीं नहीं चलते हैं है? जी उत्कर्ष में आओ जो हाँ चले चलो अपने निकली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ध्यान रख जो उत्कर्ष भाई मैं वो ना है चल चल डिम्पी को लेकर फिल्म बना रहे हैं अगली बार आएंगे ना मैं तुम्हारे लिए भी बात करूंगी बोल जा शालिनी यहीं पे काउंसलिंग करती थी और यहीं रहती भी थी कर ले सर्च करो रूम लगता है अपॉइंटमेंट डायरी है बीच के कुछ पन्ने गायब है किसी ने इसके साथ छिड़खानी की है शिरके शायद शालिनी को पेज पर दबाकर लिखने की आदत थी ये देखो मिसिंग पेज की हैंडराइटिंग नेक्स्ट पेज पर उभर कर आई है एक काम करो इसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और ये नाम रिकवर होते है कि देखो सर ये जो मिसिंग पेजेस हैं ये शालिनी के सुसाइड के पहले क्या सुसाइड नहीं मर्डर मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये मर्डर है और मुझे तो इन दो भाई और माँ पर शक है एक काम करो इन सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा और ये जो भाई है इनका बायोडाटा निकालो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ सर कल तक आ जाएगी ये देख 6 महीने से मेरी कोई पेमेंट्स नहीं आई है और तेरी भी नहीं आई है ऐसे में हमें समझदारी से काम करना होगा घर का पूरा खर्चा माँ की सेविंग से चल रहा है और ऐसे में हमें इतना भी नहीं करना चाहिए कि उन पे बोझ बन जाए दीदी यहाँ कोई सीधे तरीके से काम और पैसे क्यों नहीं देता ये तेरा गांव नहीं है अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा बिजनेस में रहना है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा और ये सब के लिए पैसे लगते हैं और पैसे कहाँ से आते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास से ठीक है दीदी मैं सबसे मिलने जाऊंगी ये हुई ना बात रुक ये देख ये ड्रेस पहन के जा काम जल्दी मिलेगा सर के साथ बात करता हूं सर शालिनी वत्स की पीएम रिपोर्ट विंड पाइप में क्रैक्स है और लंग्स में स्मोक के ट्रेसेस मर्डर सर ये मर्डर है मतलब शालिनी गाड़ी से पेट्रोल लेकर जरूर आई उसको किसी ने गला दबा के मार दिया सर के इसीलिए तो बॉडी फ्लैट जमीन पे पड़ी थी हाँ तब तुम मुझे पिलाओगे 4 चम्मच शक्कर वाली चाय हाँ सर बिल्कुल लेकिन सर बॉडी में 3 महीने के फीटस के ट्रेसेस भी मिला है सर कहीं ये मर्डर का मोटिव तो नहीं हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा होगा क्योंकि उससे शादी नहीं करना चाहता या ऐसा भी हो सकता है कि शालिनी प्रेग्नेंट होने के बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर प्रेशर डाला होगा शादी के लिए या तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है उसके भाइयों ने मारा होगा उसको फैमिली के बारे में पता किया हाँ सर फैमिली मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं और सर पता चला है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी ख़राब है बड़े भाई का जो भी बिजनेस था वो डूब चुका है और छोटे भाई की जो भी सेविंग थी सब ऑनलाइन बेटिंग में जा चुकी आए दिन लेनदार आते रहते हैं उसके घर में तो सिर के क्लियर है इसका मतलब भाइयों के पास मर्डर का डबल मोटिव है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करो और फैमिली से पूछताछ करो क्या वो 3 महीने के पेट से थी ये जरूर उस बुड्ढे डॉक्टर अनिल नागराथ की करतूत होगी मेरी शालिनी अनिल नागराथ कौन है सर वो एक डॉक्टर है काम के सिलसिले में शालिनी मिलती थी उनसे उम्र में दुगने हैं शालिनी के और उससे शादी करना चाहते थे जी हाँ ये सच है कि मैं शालिनी से प्यार करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था फिर मुझे उसकी कई बातों से ये एहसास हुआ कि वो बहुत ही सेल्फिश और चालाक औरत है अनिल मैं और तुम एक ही क्लिनिक से ऑपरेट करते हैं ना
कितना कमाल का बिजनेस होगा ना अगर मैं उन्हें काउंसलिंग दूं और तुम उन्हीं पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसे में मेरा लोड कम हो जाएगा और क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम 50-50 आपस में शेयर कर लेंगे। एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्यों? मेरे आने से तुम्हारा धंधा बढ़ेगा ही। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे पेशेंट बढ़ेंगे। माय डियर, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है और यहाँ पर लोग ना काउंसलिंग से ज़्यादा गोलियों पर विश्वास करते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूँगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। जब हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में होंगे तो फिर ये लेन देन आड़े ही नहीं आएगा ना। मैं सब कर सकती हूँ, शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी मंशा समझ चुका था कि वो मुझे सिर्फ घुमा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हो सब कुछ उससे उल्टा है? मतलब आपने शालिनी को शादी के झांसे देकर उससे संबंध बनाए रखे, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने शादी की मांग की तो आपने उसको मार दिया और सब कुछ ऐसी प्लानिंग की कि लोगों को लगे ये सुसाइड केस है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना तो शालिनी को मारा है और ना ही मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। यहाँ तक कि पिछले 6 महीने से मैं उससे मिला तक नहीं हूँ। आप चाहे तो मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे, लेकिन आपके हम DNA टेस्ट भी करवाएंगे। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। शालिनी का भाई यहाँ क्या कर रहा था? अरे शालिनी की कार और इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में आया था। कमाल है, इतने जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए इन दोनों भाइयों ने शालिनी का मर्डर कर दिया और बाद में लाश को जला दिया? सर, इस बात का अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। नहीं मिला, हम ढूंढेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3। सर, इस सीरीज में मैं सिर्फ एक गाने में हूँ। इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं। तुमने ही बॉस की गवाह दी और वो मेन हीरोइन बन गई। फाइव। अरे सागर, शॉट रेडी है क्या? यस सर। अरे राजू, जरा। मुझे हवा निकालनी भी आती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रुपेश, तुम्हें अगर बॉस की का कमीशन चाहिए तो पैकअप के बाद मुझे बाहर मिलो। समय के साथ साथ बोस्की ने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया और वो ग्लैमर की इस नई दुनिया में रम गई और अब मुंबई की ये ग्लैमर भरी दुनिया ही उसका वर्तमान और भविष्य बन गई। और सिर्फ 6 महीनों में वो अपने गांव, अपनी भाषा, अपने संस्कारों से कट गई और फिर अचानक एक दिन लापता हो गई। क्या नाम बताया आपने? बोस्की मंडल। सर, ये देखिए। मोबाइल सीरीज में काम करती थी? जी सर, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, इसका काम मैं ही देखता था। आप ही के साथ रहती थी? जब गांव से आई थी तब मेरे साथ रहती थी, उसके बाद एक एक्ट्रेस है डिम्पी, उसके साथ रहने लगी। हो सकता है अपने गांव चली गई हो। कोई चांस नहीं है सर, अपने गांव जाएगी तो घर वाले घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। नहीं गई होगी, यहाँ अच्छा काम मिल रहा था उसे। आपने उसकी फ्रेंड डिम्पी के यहाँ पर पता किया? मैं गया था तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। सर, सर ये लड़की बॉस की मंडल मोबाइल सीरीज में काम करती है, मिसिंग है और फोन भी बंद आ रहा है। इसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, उनका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो और इस लड़की के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकाल रहा। ठीक है सर। अटैक करते रहे पुलिस पुलिस पुलिस। सर, हम लोग शूटिंग के लिए सिलवासा गए थे, जब हम निकले तो बॉस की यही थी। बॉस की
मैं और माँ 3-4 दिन के लिए सिलवासा जा रहे हैं शूटिंग के लिए। तू आराम से रहना हाँ, और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो जुगर किराने वाले के पास से ले लेना और पैसे लिखवा देना, ठीक है? लेकिन जब हम वापस आए तो वो घर में नहीं थी। हमने बॉस्की के कॉन्टैक्ट में और हमारे कॉन्टैक्ट में सभी को फोन लगाया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में रुपेश ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन गया था। आशीष लाल की नई मोबाइल सीरीज में बॉस्की मंडल ने डिम्पी को रिप्लेस किया, क्या ये? सर ये लोग तो लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए कुछ भी छापते हैं। बॉस्की तो मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रहती थी। बेटी की तरह थी और डिम्पी से आगे बढ़ने लगी, तभी आप दोनों ने उसे गायब कर दिया और अब सिलवासा का बहाना बना रहे हो। सर मैं अपने प्रोडक्शन का और होटल का नंबर और एड्रेस दोनों दे देती हूँ, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मैडम वो तो हम पता करेंगे, कड़े इनसे डिटेल्स लेके क्रॉस वेरीफाई करो। सर घर में और कौन रहता है? मेरा बेटा सुयश। कहाँ है वो? उसकी मंडल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आई और ताई के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ गणपति फूले गया हुआ था। मेरे दोस्त बाहर ही खड़े, आप उनसे पूछ लीजिए। बॉस की मंडल के साथ मोहल्ले में कोई छेड़खानी की वारदात तो नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले में से किसी ने उसे किडनैप करके रखा? नहीं नहीं सर, हमारा मोहल्ला थोड़ा वैसा है लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। कमरा कौन सा है उसका? कोई फोन वगैरह मिला? नहीं सर। खड़े सर चेक करो। सर ये देखिए वास्की मंडल के नाम से मेडिकल फाइल। वास्की मंडल एचआईवी पॉजिटिव थी? सर उसने कभी बताया नहीं। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता सर। जैन सर। जैन अच्छा शालिनी वज केस में कुछ अपडेट? सर डीएनए रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एनालिसिस का इंतजार है। बॉस्की मंडल केस का कोई अपडेट? सर बॉस्की के घर पे फोन नहीं मिला और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लियर है लेकिन सर उसके घर पे एक पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट मिली है जिसमें ये मेंशन है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। सर, मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो कहीं चली गई है। उसके नेटिव प्लेस पूछताछ की? हाँ सर, वेस्ट बंगाल में वहाँ की लोकल पुलिस गई थी। सर उसके माता पिता का कहना है कि जब से बॉस्की घर से गई है ना तो उसने कभी घर पे फोन किया और ना ही कभी घर आई है। सर एक काम करो, उसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनके कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक करो और क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। हमने बॉस्की मंडल और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। तुम्हारी और बॉस्की की फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें होती थी और इस वक्त वो मिसिंग है। कहाँ है बॉस्की मंडल? सर मुझे नहीं पता बॉस्की कहाँ है। हाँ मेरी उससे बातचीत होती थी क्योंकि मैं उसका गॉडफादर हूँ, मैंने उसे पहला ब्रेक दिया था। माइंड ब्लोइंग। कट बॉस्की, आज तुझे मेरी नजर ना लग जाए। आज तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सर। सर आप मसाला कॉमेडी फिल्म बनाइए ना, मैं आपके लिए उसमें एकदम फ्री में काम करूंगी। अरे ऐसी फिल्में मुझे देगा कौन, अब तो मैं ऐसी वैसी सीरीज का डायरेक्टर हो गया हूँ। आप खुद पे विश्वास रखो, सब होगा। सर वो मुझ में चेंज ला रही थी, मैं उसे गायब क्यों करूंगा। ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ओके सर, ये बॉस की जिस इंडस्ट्री में काम करती थी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में जितने भी लोग थे सब के सब गड़बड़ है। सर वो डायरेक्टर आशीष लाल, एक साल पहले उसके ऊपर कुछ हीरोइनों ने आरोप लगाए, उसके पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश, 6 साल पहले वो प्रोस्टिट्यूशन रेट में पकड़ा गया था, उसके खिलाफ सबूत नहीं था इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। और सर वो डिम्पी और बॉस्की की गॉसिप्स इंटरनेट पर अपलोड हैं, डिम्पी का भाई सुरेश वो भी गड़बड़ी लग रहा है, उसके सारे दोस्त भी गड़बड़ लग रहे हैं। लेकिन सिर के इनमें से किसी के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत नहीं है और उसमें ये बॉस्की को हेड्स हो जाना। सर सर बॉस्की मंडल का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया। सर ये देखिए, इसी के जरिए उसने मुंबई आने से पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रुपेश से कांटेक्ट किया था। और सर ये देखिए उसके साथ उसके गांव का एक लड़का है विधान बंधु जो मुंबई में रहता है। सर मैंने उससे कांटेक्ट किया है, वो अभी गांव गया है, जैसे ही आएगा हमसे कांटेक्ट करेगा। सर
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। शालिनी बस की अपॉइंटमेंट आई से फटे हुए पेजेस में से ये 8 नाम रिकवर हुए। अरे इसमें तो बॉस्की का भी नाम है। इसका मतलब बॉस्की लापता होने से पहले शालिनी से मिली थी। लेकिन क्यों? इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ये शालिनी साइकोलॉजिस्ट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस्की उसके पास किसी काउंसलिंग के लिए गई थी? तो फिर अपॉइंटमेंट के डायरी में उसका पेज क्यों फटा था? कुछ तो भी गड़बड़ है शेर के। सर ये डीएनए लो। डॉक्टर अनिल का डीएनए शालिनी के फिटस के डीएनए से मैच नहीं हुआ, और डॉक्टर के रूटीन चेकअप में भी शालिनी के फिटस का डीएनए शालिनी की माँ से भी मैच नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम दोनों तो कह रहे थे ये ओपन एंड शट केस है, शालिनी ने सुसाइड किया है। ऐसा नहीं है शिरके, हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आइए सर, ये कार डीलर है, शालिनी मैडम की गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो हमें क्राइम सीन पे मिली थी। आइए बैठिए, चाय भी आएंगे? थैंक यू सर। देखिए वैसा तो सब कुछ हो चुका है, मतलब शालिनी के भाई ने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एक छोटा प्रॉब्लम है, वो जो इंश्योरेंस पेपर है उसके ऊपर शालिनी के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। अगर कोई शालिनी की सिग्नेचर करने वाला मिल जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो सब ये कोर्ट में मैटर जाएगा बिलावज। सर मुझे सुमित साहब से बात करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कीजिए ना। सर वो कहने हो जाएगा। गुड, मुझे मेडालियन बुला है। जाइए जरा, कीजिए ना इतना प्लीज। जी सर। शालिनी वत्स, आपने ये सुसाइड का शेक्सपियरियन ड्रामा क्यों किया? भाइयों को पैसे की तंगी थी तो मैंने सोचा मेरे इंश्योरेंस के पैसों से सुमित भैया और अभिनव दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। बॉस्की मंडल क्यों आई थी तुम्हारे पास? काउंसलिंग के लिए। मैं न्यूज़पेपर में लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स के आंसर देती हूँ, तो शायद वहीं से उसे मेरे मैसेंजर सर्विस का नंबर मिला होगा तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं बॉस्की मंडल एक्ट्रेस, मुझे आपसे मिलना है। उसकी फोटो देखी तो मुझे जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे दिया। मुझे खुद से नफरत हो गई है मैम, अपनी बॉडी से नफरत हो गई है मुझे। मैं यहाँ फिल्मों में काम करने आई थी और मोबाइल वेब सीरीज में काम करने लगी। अब कोई मेरे चेहरे को, मेरी स्माइल को नहीं देखना चाहता, सब सिर्फ मेरी बॉडी देखना चाहते हैं। कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता, सब मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हैं। सब गिव एंड टेक है बस। मैं नहीं जीना चाहती हूँ मैम, मैं मर जाना चाहती हूँ। बॉस्की, तुम्हें उन लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है मैम, यहाँ सब मोटी चमड़ी है। हाँ, लेकिन मैं सुसाइड करने से पहले इन सब के बारे में किसी को जरूर बता कर जाऊंगी। कोई जो मेरा अपना हो, जो मुझे समझे,
मुझे जज ना करे। उसने आपको कुछ बताया? नहीं। उसका हुआ क्या? अरे ऐसा मत देखिए, हमें सब पता है। हाँ, आप सिर्फ बोलते जाइए। सर वो मरना चाहती थी, मैंने उससे कहा कि जिंदगी को एक और मौका दो। बॉस की एक काम करते हैं, दो दिन के बाद कहीं बाहर मिलते हैं, खुली हवा में बात करेंगे, ठीक है? एक काम करो, दो दिन के बाद 8 बजे मेरे बताए एड्रेस पे आ जाना, ठीक है? और वहीं ये दवाई खा लेना, मैं 5 मिनट बाद तुमसे मिलूँगा, ठीक है? जी मैम, पर मिलना कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। 8:05 पर मैंने उसे वहाँ बुलाया। मम्मी, सुमित भैया, अभिनव, प्लीज मुझे माफ करना, मैं आग लगा के जान देने जा रही हूँ। तुमने नहीं मारा बॉस्की को, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास, उसका पेट एम्प्टी था, तुम्हारे गोली से नहीं मरी। व्हाट? और ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बॉस्की को नशे की इतनी हैवी डोज दी थी, उसकी मौत डेफिनेट थी। लेकिन तुमने जो गोली दी थी वो लेने से पहले उसको किसी ने मार दिया था गला दबाकर, उसके विंड पाइप में क्रैक्स मिले हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मतलब मेरी बॉडी को सर जलाया, मारा नहीं? फिर भी तुम्हें अरेस्ट करना होगा। डॉक्टर शालिनी वत्स पुलिस की निष्पक्षता और सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से मर्डर केस में तो बच गई, लेकिन उस पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का नया चार्ज लगाकर उसे हिरासत में ले लिया गया। अब पुलिस के सामने बॉस्की मंडल से जुड़े सवालों का अंबार लग चुका था। बॉस्की आत्महत्या क्यों करना चाहती थी, कौन उसका गुनहगार था, किसने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया और आत्महत्या से पहले ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस नए सिरे से केस की जांच पड़ताल में जुट गई और बॉस्की के जीवन से जुड़े हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाने लगा। सर, बॉस्की के गांव से जो लड़का विधान बंधु, वो मुंबई आ गया है, मैंने उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है। सर, बॉस्की मुंबई आने से पहले सोशल मीडिया मैसेंजर पे मुझे कॉन्टेक्ट किया और फिर मैसेंजर सर्विस से फोन भी किया। हेलो विधान दादा, कैमन आछो? तुम्हारे टू हेल्प चाहिए दादा, मुझे फिल्मों में ट्राई करना है, मैं मुंबई आना चाहती हूँ। अरे खूब आलो, बिल्कुल आओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। दादा, मेरे रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम कर सकते हैं क्या आप? अरे मैं तो खुद इतने लड़कों के साथ रहता हूँ, तुम इंटरनेट पे क्यों नहीं ट्राई करती हो? वहाँ तो लड़कियों का बहुत सारा ग्रुप है, तुमको कोई ना कोई पेइंग गेस्ट मिल जाएगा। ठीक है सर दादा। फिर उसने मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया और एक दिन मैंने उसे मार्केट में देखा। ए लड़की, रुक रुक रुक, पैसा दे पैसा दे। फिर बॉस्की ने कहा मुझे गांव ले चलो, मैंने उसे रुपेश के साथ रहकर इंडस्ट्री समझने को कहा और मैं वहां से गांव चला गया। गांव से जब वापस आया तो बॉस्की का फोन आया, उसके गायब होने के 2 दिन पहले ही मैं उससे मिला था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ दादा, वो रुपेश कोऑर्डिनेटर, उसने मुझे छत तो दिया पर प्यार के नाम पर हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती सोता था। और नैना आंटी और डिम्पी दीदी, कहने को तो वो मेरे लिए माँ और बहन जैसी थी, और वो मुझे रोज कहती थी कि हम तुम्हें फाइनेंसर के पास भेज रहे, प्रोड्यूसर के पास भेज रहे, डायरेक्टर के पास भेज रहे, पर असलियत में तो वो मुझे बिजनेसमैन के पास भेजती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। और मुझे काफी दिनों तक सबका कुछ पता ही नहीं चला, और वो डायरेक्टर आशीष लाल मुझे बोर्ड बनाने के चक्कर में मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। और डिम्पी दीदी का भाई सुयश, उसने तो हद ही कर दी, और मार बहन का गुस्सा मुझ पर निकाला मेरे साथ रेप करके। दादा, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता नहीं इसका बाप कौन है।
मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक मेरे में कहां जाऊं, किससे बात करूं, सब मुझ पर थूकेंगे दादा। बॉस ने तुम्हें बताया था उसे एड्स था? नहीं सर। जाओ शिरके, बॉस्की का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया उससे पूछो कि उसने बॉस्की के बॉडी से जो ब्लड स्पेसिमेन रिकवर किए थे क्या उससे ये पता चल सकता है कि बॉस्की को एड्स था या नहीं। और शिरके, अभी इसने तीन जनों के जो नाम लिए हैं, आशीष, रूपेश और सुयेश, इन तीनों को अरेस्ट करो और बॉस्की के फिटस के डीएनए से इनका डीएनए मैच करवाओ और इनका एचआईवी टेस्ट भी करो। यस सर। सर नैना और डिम्पी से उन लोगों की लिस्ट भी लेता हूँ जहाँ बॉस्की को उन्होंने कास्टिंग के नाम पर भेजा था। रुपेश, आशीष, नैना, डिम्पी, सुयेश सभी को अरेस्ट कर लिया गया। सारे मेल सस्पेक्ट सभी के डीएनए टेस्ट करवाए गए और सुयेश का डीएनए बॉस्की की बॉडी में मिले फीटस के डीएनए से मैच कर गया, लेकिन इनमें से किसी को एड्स नहीं था। पुलिस ने सुयेश को बहुत तोड़ा लेकिन उसने बॉस्की की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया। पुलिस ने नैना और डिम्पी से पूछकर उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार की जिस जिस के पास उन्होंने बॉस्की को संबंध बनाने के लिए भेजा था। बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे थे और जो कुछ सामने आए उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। सर चौथा चम्मच है ये। अरे चार चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए शिरके। सर ऐसा शुगर हो सकता है? देखो सर, मैंने बॉस्की के मर्डर वाले दिन क्राइम सीन से डम डाटा स्टडी किया जिसमें ये नंबर मिला है जो डिम्पी के कॉल रिकॉर्ड में है। शिरके पता करो किसका है, बुलाओ इसको पुलिस स्टेशन। एक काम करो, ये नंबर के बारे में डिम्पी से पूछताछ करो। जी सर। सर ये आदमी तो नहीं आ सकता, हमें खुद मिलने जाना पड़ेगा। सॉरी, तुमने तकलीफ है भी। आपको यहाँ आना पड़ा, इस हालत में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सब बॉस्की को मैं नहीं मारा है। मैं रोज मौत से लड़ रहा हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा? क्योंकि नैना ने मुझे बॉस्की के साथ सुलाया था जिसके वजह से मुझे ये एड्स हो गया। आपको इतना कंफर्म कैसे पता बॉस्की को एड्स था? क्योंकि डिम्पी ने बॉस्की के लैब रिपोर्ट्स दिखाए थे। मैम एड्स मुझे है, मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। रिपोर्ट्स निकालते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैंने रिपोर्ट्स बॉस्की के नाम पर निकलवाए। उत्कर्ष जी को जब एचआईवी पॉजिटिव हो गया तो वो पूछते हुए मेरे पास आए। मैंने भी बॉस्की के नाम के रिपोर्ट्स उन्हें दिखा दिए। उन्हें लगा कि उन्हें एचआईवी पॉजिटिव बॉस्की की वजह से हुआ है। बॉस्की के पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे एड्स नहीं था। फिर हमने डिम्पी का एचआईवी टेस्ट करवाया तो उसे एड्स है। क्या? डिम्पी के कहने पर मैंने बॉस्की को मार दिया? आप अपने पापों की सजा भुगतो, रहे बॉस्की के गुनेगा, उन्हें कानून सजा जरूर देगा। जिस तरह अपने जीवन में सतर्कता बरतने की जरूरत होती है उसी तरह से काम करते वक्त भी सतर्कता बरतना जरूरी होता है। अपने काम में कुशल होने से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।